नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो नींबू के पौधे की एयर लेयरिंग प्रोपागेशन पर है। अगर आपने नींबू का पौधा लगाया हुआ है और उसी पौधे से आप और भी कई सारे पौधे बिल्कुल फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एयर लेयरिंग प्रोपागेशन में जो भी बातें ध्यान में रखनी होती है वो सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बारीकी से बताई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मोटे से मोटा और बड़ा ब्रांच सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोटे ब्रांच में एयर लेयरिंग करने पर रिजल्ट 100% रहता है और इस तरह से आपको बहुत बड़ा नींबू का पौधा तैयार भी मिल जाएगा, क्योंकि जब आप इसे कटिंग से तैयार करते हैं तो इस साइज तक आने में वर्षों लग जाते हैं। तो ये एयर लेयरिंग प्रोपागेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा कितना बड़ा नींबू का पौधा तैयार निकल कर आता है। इस मेथड में आपको दो राउंड कट लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी पर लगाना है और दोनों के बीच में एक स्ट्रेट कट लगाकर बार्क को निकाल लेना है। आपको सिर्फ इतना ही गहरा कट लगाना है जिससे बार्क यानी छिलका आसानी से निकल जाए। इसमें आपको वुड वाले पार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। बार्क को निकालने के बाद सफ़ेद सफ़ेद चिकना वाला पार्ट जो कि कैम्बियम लेयर होता है उसे स्क्रैच करना है और फिसलन वाले चिकने पार्ट को रिमूव कर देना है, ताकि इससे दोनों राउंड कट के बीच कैम्बियम लेयर का कनेक्शन ब्रेक हो जाए, तभी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। यहाँ जो मैंने मिट्टी तैयार किया हुआ है इसमें चिकनी मिट्टी और कोकोपीट दोनों बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है। कोकोपीट की वजह से मॉइस्चर काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा और इससे मीडिया भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मैं साबुत दालचीनी को भी नए तरीके से यूज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दालचीनी जो कि हमेशा पाउडर के रूप में ही यूज़ किया जाता रहा है, पर मैं खड़ा ही इसमें यूज कर रहा हूँ बतौर एक्सपेरिमेंट। अब इसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से लपेटकर एयर टाइट बांध देंगे ताकि इसमें हवा का प्रवेश ना होने पाए और मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहे। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि दो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसको मैं काले कलर के प्लास्टिक से भी कवर करूँगा, क्योंकि रूट्स अंधेरे में ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, इसलिए मैं काली प्लास्टिक से कवर कर रहा हूँ ताकि सूर्य की रोशनी इसमें ना पड़ने पाए और इसमें ज़रूरत पड़ने पर काली प्लास्टिक को हटाकर बीच बीच में रूट्स की स्थिति चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, एयर लेयरिंग किए हुए 3 महीने हो चुके हैं और इसमें रूट्स भी अच्छी तरह आ चुका है, क्योंकि मैं बीच बीच में इसे चेक करता रहता था। इसे कट करके अब अलग कर लेंगे, फिर इसकी प्लास्टिक को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी रूटिंग हुई है और हमें कितना अच्छा अपडेट देखने को मिलने वाला है।
तो देखा आपने कितना अच्छा अपडेट आया है, पूरा का पूरा रूट बॉल ही बहुत सारे रूट से ढक गया है। अब इसे आधा एक घंटा के लिए पानी में डीप करके छोड़ देंगे, फिर इसे मैं गमले में शिफ्ट करूँगा। दोस्तों अब देखिए कितना बड़ा नींबू का पौधा मात्र 3 महीने में तैयार हो गया है। अगर इसे आप कटिंग से थ्रू ग्रो करते तो इतना बड़ा होने में वर्षों लग जाते। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।